दोस्तों, दुनिया का सबसे निडर जानवर हनी बेजर को तो आप जानते ही होंगे, जिसे देखते ही बड़े बड़े शिकारी खुद अपना रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब इसे जिंदा रहने के लिए कई संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जब हनी बेजर को अपने माँ द्वारा अलग कर दिया जाता है तब ये बहुत ही यंग होते हैं, तब इन्हें हंटिंग की उतनी एक्सपीरियंस भी नहीं होती, इसीलिए कई दिनों तक इसे भूखा भी रहना पड़ता है। और जब खाने के तलाश में ये दरबदर भटकता फिरता है, उसी बीच एक सच्चे दोस्त की तरह हनी गाइड बर्ड इनकी मदद करने आती है। दोस्तों, हनी गाइड बर्ड और हनी बेजर दोनों को ही शहद बहुत पसंद है, क्योंकि हनी गाइड बर्ड हमेशा उधर उड़ती रहती है, इसलिए इन्हें मधुमक्खी के छत्ते आसानी से दिख जाती है। लेकिन ये खुद से वहाँ शहद चुराने के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि मधुमक्खियाँ जो इन्हें नोच डालेगी, इसलिए जब भी इसको कोई छत्ता दिखाई देती है तब ये हनी बेजर के तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हनी बेजर भी उसके पीछे पीछे जाके सीधा छत्ते को तोड़ ले आते हैं, और उसमें से कुछ वो खाता है, फिर कुछ हनी गाइड बर्ड के लिए छोड़ के चला जाता है। मानना पड़ेगा, जब हिस्सा देने की बारी आती है तब कई सारे लोग अपने भाई को भी भूल जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलते।